इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स चार्ट्स पे इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। अब अगर आप ये निफ्टी का चार्ट देखो तो आपको दिखेगा कि बजट के दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिली, जहाँ पे जो 11,850 का सपोर्ट था निफ्टी का, यहाँ पे वो सपोर्ट ब्रेक हुआ, लेकिन उसके बाद दो दिन में ही निफ्टी ने उसके ऊपर कमबैक कर लिया है। अब ये जो मूव यहाँ पे आपको पिछले 5-6 दिनों में देखने को मिली, उसके पीछे का रीज़न ये होता है, और ये हर साल होता है, कि उस रीज़न ये है कि बजट के दिन जो रिएक्शन आता है वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है बजट का। तो लोगों को एक्सपेक्टेशन था LTCG जाएगा, STT जाएगा, तो वो एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होते हैं नहीं होते हैं, उसका जो एक फर्स्ट हैंड रिएक्शन होता है वो उस दिन हमें देखने को मिलता है। ये होता है उस बजट दिन का रिएक्शन। उसके बाद जो रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, या हमें जो पिछले 4-5 दिनों में देखने को मिला, वो था एक्चुअल बजट का आउटकम। सो बजट में जो सारी डिटेल्स हैं वो स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, डाइसेक्ट करने के लिए टाइम लगता है, और वो होने के बाद जो मूव आपको देखने को मिलती है वो मूव सही मूव होती है, और वो बजट के एनालिसिस के बेसिस पे वो मूव होती है। तो फिलहाल अगर आप देखो तो निफ्टी ने बाउंस बैक कर लिया है, और निफ्टी 12,100 के करीब फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ये जो करंट लेवल्स हैं बिटवीन 12,100 और 12,160, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। आपको ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख जाएंगी यहाँ पे, तो ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई है निफ्टी के लिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये लेवल्स आपने वॉच करनी है एज अ रेजिस्टेंस। ऑन द डाउन साइड इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है वो 11,970 पे बनता है। तो 11,970 अगर ब्रेक होता है तो नीचे 11,850। सो 11,970 और 11,850 में अच्छा खासा सपोर्ट है फिलहाल निफ्टी के लिए, और ये जो बाउंस बैक हमें देखने को मिला है वो है पॉजिटिव। अब रहा सवाल ऊपर कब जाएगा, तो ये फिलहाल आपको दिखेगा कि एक रेजिस्टेंस बैंड में अटका हुआ है। जब कब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, यानी 12,100 और 12,160 की लेवल रेंज आपने वॉच करनी है, जब कब ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगी तब निफ्टी फिर से एक बार ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये लेवल्स अगले हफ्ते के लिए वॉच कीजिए। अब मेरे पीछे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखेगा, बैंक निफ्टी का नियर मंथ फ्यूचर का ये चार्ट है, और ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन में फिलहाल ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो बजट के दिन उसमें भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में एक बाउंस बैक फिर से आ चुका है। तो जो करंट लेवल पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है अराउंड 31,300 की लेवल पे, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है थोड़ा सा ऊपर, जो आपको दिखेगा ये रेड कलर की जो मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट की है। तो पिछले 2 महीनों में जो कुछ टॉप्स निफ्टी ने बनाए हुए हैं वो सारे टॉप्स ज्वाइन करके हमने ये ट्रेंड लाइन प्लॉट की है। तो ये रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है 31,500 से, और ऊपर में ये बनता है 31,750 तक। तो ये रेजिस्टेंस बैंड है कि जो आपने नेक्स्ट वीक के लिए वॉच करना जरूरी है। ऑन द डाउन साइड 31,000 और 30,700 ये निफ्टी के लिए सपोर्ट बनेगा। सो 31,000 ये तो इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, और 31,500 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये छोटे से 500 पॉइंट के रेंज में फिलहाल बैंक निफ्टी अटका हुआ है। इसमें मूव ऊपर की तरफ अगर आनी हो तो इसे 31,500 और 31,750 का जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ ब्रेक करना ज़रूरी है। जब कब ये ब्रेक करेगा तब ये ऑल टाइम हाई फिर से एक बार टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन तब तक ये लेवल्स वॉच कीजिए। 31,500 ये रेजिस्टेंस है इमीडिएट, और 31,000 ये इमीडिएट सपोर्ट है फॉर द नेक्स्ट वीक। इसी तरह एक अगले वीडियो के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स पे मैं फिर से आऊंगा नेक्स्ट वीकेंड। तब तक आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद। आपका मंदार जामसांडेकर।